अब हम देखेंगे व्हाट इज क्रिमिनल लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है। अब क्रिमिनल लाइबिलिटी जानने के लिए अपने को पहले देखना है क्राइम क्या होता है। अब क्राइम की कोई ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है आईपीसी में, लेकिन ये एक डेफिनेशन है, एन एक्ट ऑफ कमीशन और ओमिशन कॉन्ट्ररी टू लॉ फॉर विच पनिशमेंट कैन बी इन्फ्लिक्टेड थ्रू जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कंडक्टेड इन द नेम ऑफ स्टेट। बहुत हार्ड डेफिनेशन है, समझ में आ गए तो बहुत बढ़िया, वरना इजी में समझ लो कि वॉट एवर इज डिक्लेयर्ड बाय द लेजिस्लेचर एज अ क्राइम इज अ क्राइम। अब क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या होती है, जब आप क्राइम करते हो तो क्रिमिनल बिहेवियर जो आपका होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पे तो आएगी, आपने किसी को जान से मार दिया, चोरी कर ली, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्रिमिनल लाइबिलिटी बोलते हैं। जो क्राइम करता है, जो क्रिमिनल बिहेवियर करता है, उस पर क्राइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, दैट इज़ कॉल्ड क्रिमिनल लाइबिलिटी। अब असेंशियल्स टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम, वैसे देखो अलग अलग लिस्ट हैं, उसमें किसी में 7, किसी में 10 असेंशियल्स दिए हुए होते हैं, किसी में 2 ही होते हैं, लेकिन सबसे ऑब्वियस ये 2 ही हैं, मेंस रिया और एक्टस रियस। मेंस रिया होता है मेंटल एस्पेक्ट और एक्टस रियस होता है द फिजिकल एस्पेक्ट। अब अपन पहले समझते हैं एक्टस रियस, क्योंकि ये शॉर्ट है और ये इतना टेक्निकल नहीं है, ठीक है। एक्टस रियस का मतलब होता है गिल्टी एक्ट, ऑल्सो रेफर्ड एज द वॉलेंट्री एक्ट। ये जो वॉलेंट्री एलिमेंट है इसको अपन जनरल डिफेंसिस में बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे। एक्टस मी इन विटो फैक्टस नॉन एस्ट मेंस एक्टस एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माय विल इज नॉट माय एक्ट एट ऑल, ठीक है। ये लैटिन मैक्सिम है कि एक्ट वॉलेंट्री होना चाहिए उसके सपोर्ट में। एक्टस रियस इज द फिजिकल कॉम्पोनेंट ऑफ द क्राइम, इट इंक्लूड्स एक्ट्स कॉन्ट्ररी टू द लॉ, ठीक है। ये सिंपल डेफिनेशन हो गई। द ह्यूमन कंडक्ट में कंसिस्ट ऑफ कमीशन और ओमिशन ऑफ सर्टन एक्ट्स। अब इसमें समझो जो ओमिशन होता है ना, मतलब कुछ नहीं करना, कई बार होता है कि आपको कुछ करना होता है, लॉ आपको बोलता है कि ये चीज़ तो आपको करनी है, आपकी ड्यूटी है, नहीं करा तो क्राइम होगा, तो दैट इज़ कॉल्ड ओमिशन। तो ओमिशन भी कई केसेस में क्राइम हो जाता है। सेक्शन 32 में लिखा है कि एक्ट इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन ऑल्सो। द टर्म एक्ट इंक्लूड्स अ सिंगल एक्ट एज वेल एज अ सीरीज ऑफ एक्ट्स एंड द टर्म ओमिशन इंक्लूड्स अ सिंगल ओमिशन एज वेल एज अ सीरीज ऑफ ओमिशन। सेक्शन 33 ऑफ आईपीसी में दे रखा है कि सिंगल एक्ट एज वेल एज सीरीज ऑफ एक्ट्स और सीरीज ऑफ ओमिशन। अब ये इंसान है, ठीक है, इसका नाम है रमेश, ये भी रमेश है, ये भी रमेश है, ठीक है। अब ये रोज़ जाता है ऑफिस से घर और रोज़ इसको एक भिखारी दिखता है जो रोज़ इससे बोलता है कि प्लीज़ मुझे खाना दे दो वरना मैं मर जाऊँगा। ये रोज़ उसको खाना नहीं देता है, ठीक है, तो इवेंचुअली ये मर जाता है। तो इधर जो इसका सीरीज़ ऑफ ओमिशन है ना, इसको खाना नहीं देना, पैसे नहीं देना, ये इलीगल नहीं है, मतलब कहीं नहीं लिखा कि आप एक भिखारी को खाना दो, ये आपकी जिम्मेदारी है। भले ये इमोरल होगा कि इसकी वजह से मर गया, लेकिन ये क्राइम नहीं है, ठीक है। तो इधर ही इज़ फ्री टू गो। लेकिन यही सेम केस है, रमेश रोज़ घर आता है, इसका बच्चा भी बहुत दिन से रो रहा है कि खाना खाना खाना, और रोज़ इसको खाना नहीं देता, रोज़ अवॉइड कर देता है खाना देना। तो कोई एक्ट नहीं कर रहा है वो बस खाना देना अवॉइड कर रहा है, लेकिन इधर ये इल्लीगल एक्ट है। अगर इसका बच्चा इस वजह से मर जाता है तो ये इल्लीगल ओमिशंस की वजह से लायबल हेल्ड किया जाएगा, ठीक है। तो इधर सीरीज ऑफ ओमिशन एक क्रिमिनल एक्ट हो गए, समझ गए। अब एक्टस रियस उतना ही था, सिंपल था, लेकिन मेंस रिया थोड़ा सा टेक्निकल है, तो मेंस रिया में थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। मेंस रिया इज स्टेट ऑफ माइंड फॉरबिडन बाय लॉ। अब ये काफ़ी वेग है, स्टेट ऑफ माइंड में क्या क्या आ जाएगा। सबसे पहले ये मैक्सिम देखो, एक्टस नॉन फैसेट्रियम निसी मेंसेट्रिया। इसका मतलब होता है द एक्ट इटसेल्फ इज नॉट क्रिमिनल अनलेस अकंपनीड बाय अ गिल्टी माइंड। तो गिल्टी माइंड जो है ना, ये मेंस रिया है, जैसे गिल्टी एक्ट जो था वो एक्टस रियस था। अब लूज टर्म है मेंस रिया विच इंक्लूड्स वाइड वेराइटी ऑफ मेंटल स्टेट्स एंड कंडीशंस। अब इसमें वाइड वेराइटी को अपन अगर कैटेगराइज करें ना, तो सबसे पहले आएगा इंटेंशन, हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेंस रिया होता है इंटेंशन। मान लो एक हस्बैंड है, उसको पता पड़ा उसकी वाइफ का चक्कर है और उसने लवर को कॉन्फ्रंट करा और गोली मार दी क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा था और उसको जान से मारना था, तो ये एकदम इंटेंशन हो गया, ठीक है। मतलब उसका इंटेंशन ही था क्राइम करने का कि उसको लवर को मार देना और उसने मार दिया और लवर मर गया, ठीक है, ये इंटेंशन हो गया, हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेंस रिया होता है। सेकंड हो गया नॉलेज, ये एक हंटर है, ये हंटिंग करने गया सेंट्रल पार्क में, ये सेंट्रल पार्क का झाड़ है, ठीक है, इसको लगा सेंट्रल पार्क में, इसको नॉलेज है ऑब्वियसली कि लोग बहुत सारे हैं, कहीं भी कोई भी बैठा हो सकता है, तो गन लेके मारना, शिकार करना सेंट्रल पार्क में नॉट अ वाइज डिसीजन, ये बेवकूफ़ी का काम है, इसको नॉलेज थी, लेकिन तब भी वहाँ गया सेंट्रल पार्क के झाड़ के पीछे, थोड़ा इधर मूवमेंट हुआ तो इसने इधर शूट कर दिया। जैसे इसने शूट किया, एक आदमी की लाश गिरी इधर और वो मर गया इसकी गोली की वजह से। अब इधर इसका इंटेंशन नहीं था, ये हंटिंग करने गया था, चिड़िया मारने के इंटेंशन से इसने गोली मारी, लेकिन इसको नॉलेज तो थी, इसको पता है सेंट्रल पार्क है, ये सेंट्रल पार्क में काफ़ी भीड़ होती है और यहाँ झाड़ी के पीछे कोई आदमी भी हो सकता है, तो ये हो गया नॉलेज
की नॉलेज थी कि ये जो मैं एक्ट कर रहा हूँ इससे कुछ क्राइम हो सकता है, लेकिन इंटेंशन नहीं था क्राइम करने का, तो ये सेकंड हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेंसरिया हो गया। अब थर्ड आ गया रेकलेसनेस। रेकलेसनेस क्या हो गई? इग्नोर कर देना, इनडिफरेंट हो जाना कोई रिस्क से, जो कि एक रियल सब्सटेंशियल रिस्क है। इसमें क्या आ गया? रैश ड्राइविंग आ गई। मतलब रैश ड्राइविंग वाले को पता है कि रिस्क है रैशनेस में, लेकिन वो इनडिफरेंट हो गया, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये थर्ड हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेंसरिया होता है। और सबसे लोवेस्ट होता है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस हो गया कि एक ड्यू केयर और कॉशन रखना था एक एक्ट करते हुए, लेकिन वो ड्यू केयर और प्रिकॉशन उन्होंने नहीं रखा, ठीक है, जो कि ज़रूरी था, तो वो नेग्लिजेंस हो गई। अब इसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है मेडिकल नेग्लिजेंस का। मान लो ऑपरेशन करने से पहले कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करना था, कुछ ड्यू केयर रखनी थी जो डॉक्टर ने नहीं करी, उसका इंटेंशन नहीं था पेशेंट को मारना, लेकिन उसने ड्यू केयर नहीं रखी, तो नेग्लिजेंस लोवेस्ट डिग्री ऑफ मेंसरिया होता है। अब चार डिग्रीज ऑफ मेंसरिया हमने क्या क्या पढ़ी? इंटेंशन, नॉलेज, रेकलेसनेस और नेग्लिजेंस। अब देखो, इंटेंशन हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेंसरिया होता है, और इंटेंशन जब भी होगा तो नॉलेज होगी ही होगी। अगर मेरे को किसी को गोली मार के जान से मारने का इंटेंशन है, तो मेरे को नॉलेज है कि गोली मारने से वो मर जाएगा। दूसरा हो गया नॉलेज। नॉलेज सेकंड हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेंसरिया हो गया। नॉलेज अट्रैक्ट्स लेसर कल्पेबिलिटी इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ इंटेंशन, क्योंकि मेरा मारने का इंटेंशन नहीं था। मर्डर कर, मतलब मैं किसी को गोली मार रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, और गलती से शूट कर दिया मैंने, तो मुझे पता है वो मर जाएगा शूट करने से, लेकिन मेरे को मारना ही नहीं था, तो लेसर कल्पेबिलिटी होगी। रेकलेसनेस, रेकलेसनेस जैसा मैंने बताया सिग्निफाइज अ स्टेट ऑफ बीइंग मेंटली इनडिफरेंट टू ऑब्वियस रिस्क। इसमें नेग्लिजेंस है, हायर डिग्री होता है, क्योंकि इसमें आप इनडिफरेंट हो जाते हो, तुम चूज़ करते हो टू रिमेन इनडिफरेंट, मतलब गलती से नहीं हो जाता वो। और नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस जब आप चूज़ नहीं करते, गलती से आपने ड्यू केयर फॉलो नहीं करी, कॉशन फॉलो नहीं करा और हो गया क्राइम। तो ये इंटेंशन हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेंसरिया, नॉलेज उससे थोड़ा कम, और रेकलेसनेस और कम, और नेग्लिजेंस तो एक तरह से गलती ही हो गई है, समझ गए। अब मेंसरिया में केस पूछा तो देखो, वैसे इतना कोई टेक्निकल केसेस है नहीं कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, लेकिन कॉपी भरने के लिए। पहला केस बी नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इस केस में क्या होता, फूड ग्रेन डीलर था, उसने लाइसेंस के लिए अप्लाई करा, उसको रिक्वायर्ड लाइसेंस फ़ी भी उसने डिपॉजिट कर दी, और उसके बाद उसको नॉलेज ही नहीं मिली कि रिजेक्शन हो गया उसका एप्लीकेशन का। तो उसने सोचा मेरे को हो गया, लाइसेंसिंग अथॉरिटी से लाइसेंस मिल गया, और उसने काम करना चालू कर दिया। तो वो इल्लीगल था बिना लाइसेंस के काम करना, लेकिन बाद में जब कोर्ट गया ये मैटर, तो कोर्ट ने बोला कि उसने गुड फेथ में काम करा है, उसका कोई मेंसरिया मतलब बैड इंटेंशन नहीं था उसका क्राइम करने का, तो उसको अक्विट कर दिया गया। तो ही वॉज एक्विटेड बिकॉज ऑफ एबसेंस ऑफ मेंसरिया। सेम टू सेम केस सी मलान के वर्सेज कोरा बीबी कुत्ती। बहुत सही नाम है, कोरा बीबी कुत्ती, ठीक है। तो अब इसमें क्या था, फाइनेंसर था, उसने फाइनेंस किया था एक व्हीकल के लिए, लेकिन उसको इंस्टॉलमेंट मिली नहीं, तो उसने व्हीकल सीज कर लिया, उस पर चोरी का केस हुआ। तो फिर कोर्ट ने बोला कि नहीं, उसको इंस्टॉलमेंट नहीं मिली, तो उसने गुड फेथ में व्हीकल को सीज कराया, वो थेफ्ट नहीं आएगा थेफ्ट में, क्योंकि डिसऑनेस्टली ये एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, तो देर वॉज नो डिसऑनेस्टी इन दिस, तो मेंसरिया नहीं था, तो इसको भी अक्विट कर दिया गया। अब लोग कई बार मोटिव और इंटेंशन के डिफरेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये एक समझ लो, मोटिव प्रॉम्प्ट्स अ मैन टू फॉर्म एन इंटेंशन। नहीं समझ आया? अ थीफ हैज अ मोटिव टू गेट मनी, सो ही फॉर्म्स एन इंटेंशन टू स्टील। समझ में आया? इंटेंशन रिलेट्स टू मीन्स, इंटेंशन टू स्टील, और अ मोटिव रिलेट्स टू एंड्स, मोटिव इज टू गेट मनी। सो द मोटिव इज टू गेट मनी, सो फॉर गेटिंग मनी ही फॉर्म्स एन इंटेंशन टू स्टील। मोटिव प्रॉम्प्ट्स अ मैन टू फॉर्म एन इंटेंशन। समझ में आ गया? अब मोटिव इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, डायरेक्ट एविडेंस होता है ना तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है ना तो मोटिव का इंपॉर्टेंट रोल होता है इस्टेब्लिश करने के लिए इंटेंशन। प्रेजेंस ऑफ मोटिव सपोर्ट्स द प्रोसिक्यूशन केस, बट द एबसेंस ऑफ मोटिव डजेंट वीकन इट। तो इंटेंशन ऑब्वियसली इज मोर इंपॉर्टेंट टू प्रूव देन मोटिव, लेकिन जब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं तो मोटिव इंटेंशन प्रूव करने के बहुत काम में आता है। अब कुछ केसेस होते हैं जिसमें मेंसरिया रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है, सिर्फ एक्टस रियस के बेसिस पे भी वो क्राइम हो जाते हैं। वो कौन कौन से केसेस होते हैं? अब सबसे फेमस आई डिड नॉट नो द लॉ एक्सक्यूज। मेरे को तो पता ही नहीं था ये इलीगल है, तो मेरा गिल्टी माइंड था ही नहीं। देखो, ऐसे नहीं चलता है। इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूज एट, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ये लैटिन मैक्सिम बोलता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप किसी लैंड में रह रहे हो, किसी कंट्री में रह रहे हो, जा रहे हो, तो आपको उधर लॉ ऑफ द लैंड पता होना चाहिए। तो मेरे को लॉ नहीं पता था, ये कभी एक्सक्यूज़ नहीं होता। मेयर हैंस जॉर्ज ने इस केस में यही बहाना मारा था कि मुझे नहीं पता था कि गोल्ड को इंपोर्ट करने के या इंडिया में लाने के लिए नए रेगुलेशंस बन चुके हैं। मैं पुराने रेगुलेशंस के हिसाब से जैकेट में बहुत सारा किलो सोना भर के ले आया,
तो कोर्ट ने बोला देखो रेगुलेशंस चेंज हो गए हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए था ना, इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूज एट, अब इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, तो इनको लाइबल हेल्ड किया गया। फिर पब्लिक न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें मेंसरिया नहीं एप्लीकेबल होता, ठीक है। फिर केसेस विच आर नॉट क्रिमिनल इन नेचर बट आर प्रोहिबिटेड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एट लार्ज। अब कोई मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है वो नहीं बोल सकती है कि मैं नदी के अंदर कचरा डाल रहे हैं, हमको नहीं पता था कि वहाँ की एक्वाटिक लाइफ ख़राब हो रही है, पानी की क्वालिटी ख़राब हो रही है, कुछ चीज़ें। अब कंज्यूमर हो गया, जैसे मान लो एक कंज्यूमर को पंखा ख़राब बेच दिया और पंखा उसके सर पे गिर गया और मर गया। अब कंपनी का इंटेंशन नहीं था कि वो पंखा उसके सर पे गिर जाए और मर जाए, लेकिन इधर मेंसरिया नहीं एप्लीकेबल होगा क्योंकि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कंपनी का इंटेंशन हो या नहीं हो, उन्होंने डिफेक्टिव पीस दिया है तो उनकी लाइबिलिटी है, ठीक है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेज, अब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेज राइलैंड वर्सेस फ्लेचर में आया था। इसमें था कि अगर आप कोई डेंजरस थिंग अपने लैंड पे ला रहे हो और वो एस्केप कर जा रही है, इन दिस केस अ वाटर रिजर्वायर ब्रोक, ठीक है, और दूसरे वाले आदमी की फील्ड्स पूरी फ्लड हो गई, तो अब रिजर्वायर आपकी गलती से फूटा नहीं फूटा, आपका इंटेंशन था रिजर्वायर को फोड़ने का, इसका कुछ लॉजिक नहीं है, ठीक है। अगर आपका आप डेंजरस थिंग लाए, आपने इतना सारा पानी इकट्ठा कर रखा था फॉर कमर्शियल एक्टिविटी और वो निकल गया और दूसरे को नुकसान हुआ, तो आपकी लाइबिलिटी है। इसी को थोड़ा और स्ट्रिक्ट कर दिया था एब्सोल्यूट लाइबिलिटी बना के, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, श्री राम फर्टिलाइजर केस है ये, ओलियम गैस लीक केस है, भोपाल गैस ट्रेजेडी नहीं है, 1987 वाला केस है, इसमें एब्सोल्यूट लाइबिलिटी आया था। इसमें यही था स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाला ही, डेंजरस थिंग फॉर कमर्शियल पर्पस ऑन योर लैंड एंड इट एस्केप्स एंड इट कॉजेज सम डैमेज टू अदर पर्सन। लेकिन इसमें इतना सा डिफरेंस था कि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं था, जैसे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में एक्ट ऑफ गॉड एक्सेप्शन लगता है, इसमें एक्ट ऑफ गॉड नहीं लगता, थर्ड पर्सन ने कर दिया वो भी नहीं लगता। मतलब एब्सोल्यूट लाइबिलिटी आपकी, अगर वो एस्केप कर गया और उसने डैमेज किया तो आपको लाइबिलिटी लेनी ही पड़ेगी भले ही आपकी गलती नहीं हो। आईपीसी के अंडर में भी बहुत सारे क्राइम्स होते हैं जिनमें मेंसरिया प्रूव नहीं करना पड़ता, वो ये सारे ये हैं। ये जब हम ये वाले क्राइम्स डिटेल में आगे पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, वेजिंग वॉर, सेडिशन, किडनैपिंग, अबडक्शन, काउंटरफिटिंग कॉइन्स। अब देखो आईपीसी जो है ना, आईपीसी में हर ऑफेंस के सारे इंग्रेडिएंट्स एक्टस रियस प्लस मेंस रिया क्या रिक्वायर्ड है, ये आईपीसी के अंडर में ही दे रखा है, ठीक है। अब इसमें आपको अलग से डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया एप्लीकेबल करने की जरूरत नहीं है। थेफ्ट मस्ट बी कमिटेड डिसऑनेस्टली, ये आईपीसी के अंडर में दे रखा है, डिसऑनेस्टली इसका मेंस रिया हो गया। चीटिंग मस्ट बी कमिटेड फ्रॉडेंटली, ये भी आईपीसी में दे रखा है, और मर्डर मस्ट बी कमिटेड विद इधर इंटेंशनली और नोविंगली, ये भी आईपीसी में दे रखा है। तो ये डिसऑनेस्टली, फ्रॉडेंटली, इंटेंशनली, नोविंगली, ये टाइप्स ऑफ मेंसरिया विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ऑफेंस। जैसे अगर थेफ्ट डिसऑनेस्टली नहीं कम, अगर डिसऑनेस्टली नहीं है उस एक्ट के साथ, तो डिसऑनेस्टली के बिना थेफ्ट एप्लीकेबल ही नहीं होगा। डिसऑनेस्टली असेंशियल है जो आईपीसी में ही दे रखा है, तो आपको जनरल डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, आईपीसी में सब दे रखा है। ये वीडियो था अंडरस्टैंडिंग के लिए, और आप ऐसे हर ऑफेंस का मेंसरिया और एक्टस रियस पढ़ने से पहले आपको पता हो कि एक्चुअली मेंसरिया और एक्टस रियस होता क्या है, ठीक है, इसलिए ये वीडियो था। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर ऐसे और वीडियो आगे देखने हैं तो कमेंट्स में बता भी सकते हो, आपको अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू गाइज़।